व्लॉग। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद मेरा एक न्यू व्लॉग आ रहा है। अभी तक मेरा कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा था, तो आप सोच रहे कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आया इतने दिन से और अभी मैं इतना तैयार क्यों हूँ। तो गाइस अभी मैं कहीं पे जा रही हूँ, तो आपको थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और आज मैं वहीं का व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो इतने दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उतने दिन आपने मम्मी के चैनल पर सारे व्लॉग देखे, तो लेकिन अब मैं भी व्लॉग बनाऊंगी और मैं भी आपको सब कुछ एक्सप्लोर कराने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग में एंड तक बने रहना, वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो वीडियो को करना लाइक, चैनल पर नहीं हो तो करना सब्सक्राइब। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मम्मी हो रही है तैयार, लखनऊ की रत्ना। तो आज आपको लखनऊ की रत्ना मेरे व्लॉग में दिखेंगी, ऐसे मैं उनके व्लॉग में दिखती हूँ। तो गाइस आज ही वाला जो व्लॉग है ये वर्तिका त्रिपाठी के चैनल पे आएगा, तो आप लोग इसको अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा और सब लोग देखिएगा, लाइक करिएगा और आप लोग बहुत इंजॉय भी करेंगे। हाँ गाइस, तो चलिए अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मम्मी रेडी हो गई हैं, ठीक है ना। हाँ ये देखिए गाइस मम्मी, कमेंट में बताइएगा जल्दी जल्दी कि मम्मी लग कैसी रही हैं आपको। गाइस जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं, आज मैंने पहनी है अपनी मिडी एंड अपना कोट एंड अपने बूट्स। चलिए अब हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मम्मी बना रही हैं पापा के लिए चाय, अभी अभी आए हैं पापा, चाय बना दो। यहाँ पे बन रही है चाय, फिर चलते हैं। तो गाइस कमेंट में बताइए कि हम सब कैसे लग रहे हैं। अभी अक्षत को और पापा का भी ये लुक आपको देखने को मिलेगा। गाइस अभी हम सब लोग रेडी हो गए हैं और अभी हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और पापा कार भी ले आए, बस मम्मी रेडी हो जाए। और ये हैं हम लोगों के अक्षत, तो आप लोग बताइएगा कि ये कमेंट में कैसे लग रहे हैं। ये आ गई मम्मी। चलिए गाइस फिर हम लोग अब निकलते हैं अपनी सेलिब्रेशन नहीं शादी के लिए। गाइस अब बस सब लोगों का मेन टचअप हो रहा है, उसके बाद हम लोग निकलने जा रहे हैं एंड कार थोड़ी सी दूर खड़ी है, तो पहले पापा जाएंगे लेने। एंड आज बहुत दिन बाद मेरा व्लॉग आ रहा है, यहाँ मेरी मम्मी लखनऊ की रत्ना। तो गाइस मैं कैसी लग रही हूँ बताना है? तो गाइस आज मम्मी के सारे व्यूअर्स प्लीज इधर आ जाएं। हाँ गाइस आज बहुत दिन में बिट्टू व्लॉग बना रही है, सब लोग देखिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। यस गाइस कमेंट तो आप गाइस करते ही नहीं हो, आप कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मम्मी कैसी लग रही है। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस अपना घर का गेट बंद कर लेते हैं और निकलते हैं, लेट्स गो। क्या हुआ, जाम लग गया क्या? मतलब 60 से 70 बाइक्स थी, बाप रे। तो इन सारे सिग्नेचर को लैपटॉप में लगाता हूं, तो गाइस अभी हम लोग बैठे हुए हैं कार में और लेकिन आज थोड़ा सा जाम लगा हुआ है। भाई सीधे लो निकल आए, उधर की तरफ थोड़ा सा दबाओ, थोड़ा सा दबाओ, जाम लगा हुआ है। देखिए गाइस आज कितना सारा जाम लगा है, इधर नाली है इधर जाम है। गाइस मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और आज बहुत जाम लगा हुआ है, आज बहुत सारी शादियाँ हैं, हम भी कहीं एक जगह शादी में जा रहे हैं एंड ये हमारे आगे बैठी है हम लोगों की मम्मी। तो गाइस आज मैं सोच रही हूँ कि लखनऊ की रत्ना में तो कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, आज मेरे पे ही व्लॉग आएगा मेरे चैनल पे, तो आप लोग यहीं देखिए। तो गाइस ये है स्काई हिल्टन, यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है और ये बहुत ही बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर है ये, यहाँ पे लोग आते हैं डिनर विनर करने। गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, कोई एक पैलेस है ग्रीन गार्डन, तो यहाँ पे शादी है तो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और बहुत ही अच्छा सजा है, अभी हम लोगों ने गाड़ी पार्किंग में लगा दी है और बस अब हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग आ गए, तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पैलेस पे जहाँ पे शादी है। मेरे अगल बगल सब ट्रक चल रहे हैं, लेट्स गो गाइस। यहाँ पे एक होटल भी है, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और होटल है, तो अब हम लोग अपने ग्रीन गार्डन पहुंचने वाले हैं, वहाँ पे थोड़ा गाना बज रहा है तो मैं म्यूजिक बंद कर दूंगी। गाइस थोड़ा सा हमने गाड़ी दूर खड़ी की है क्योंकि इधर जगह नहीं थी, लेकिन बस अब हम लोग आ गए। यहाँ थोड़ी म्यूजिक की दिक्कत रहेगी कॉपीराइट की, तो आप लोग ऐसे ही मेरा व्लॉग इंजॉय करिएगा क्योंकि शादी में तो आप जानते हैं गाने बंद नहीं होते हैं, तो कॉपीराइट की दिक्कत रहेगी। तो हमारा होटल आ गया, तो चलिए अब आप आगे।
गाइस हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पे सजा हुआ है, बहुत अच्छी डेकोरेशन थी यहाँ पे, और इस पैलेस का नाम है ग्रीन गार्डन। तो यहीं पे हम लोगों की आज शादी है पूरी। तो गाइस यहाँ पे मम्मी ब्राइड की सिस्टर से मिल रही हैं, ये ब्राइड की सिस्टर हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एंड आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि ये सब लोग कैसे लग रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग सामने देख सकते हैं ये है ग्रूम और ब्राइड, तो आज इन्हीं की शादी है, ये इनकी एंगेजमेंट की पिक्स हैं, और ये आप देख सकते हैं स्टेज कितना अच्छा लग रहा है, एंड यहाँ पे मम्मी और पापा बना रहे हैं रील्स। तो अगर आपको हम लोगों की रील्स देखनी है तो आप जाइए इंस्टाग्राम पे रत्ना त्रिपाठी एंड वर्तिका त्रिपाठी को अभी फॉलो कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, थोड़ा सा म्यूजिक अभी बंद हो गया तो मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है स्टेज और यहाँ पे चल रहा है टीवी, और ये बहुत ही अच्छी एंड महंगी शादी है। तो आज हम लोग यहीं पे पूरा अपना दिन बिताने वाले हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ खाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचाने, ये सामने है सेल्फी पॉइंट, मेरे पीछे है सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे मम्मी खिंचा रही है फोटो। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं कुछ हल्का फुल्का नाश्ता करने, तो यहाँ पे तो खाने का ही पूरा लगा हुआ है, हम लोग उधर जा रहे हैं नाश्ता करने, तो आइए आप लोग भी देखिए। बेहोश हो के गिर चुकी है, इन्होंने ज्यादा खा लिया था इसलिए यहाँ पे गिर गई हैं। पर मैंने सारे फ्राइड राइस खा लिए, मुझे याद ही नहीं रहा आपको ब्लॉग में दिखाने का। लगता है इसने पहली बार फ्राइड राइस खाए तभी ऐसे बोल रही है। नहीं यहाँ पे बहुत कुछ है, चल रहा है डोसा, खाने के लिए और ब्लॉग बनाने के लिए। ये देखो वो चाहिए।
खिला रहे थे। आपने इनके शॉर्ट वीडियो तो मेरे चैनल पे देख ही लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो चलिए अब आप व्लॉग में भी देख लीजिएगा। दोनों बच्चे पता नहीं क्यों लड़ रहे थे, लड़के आ रहे खेल रहे थे और फिर यहाँ पे एक हमारी छोटी सी प्यारी सी लड़की ऊपर जा रही थी उनको रोकने, लेकिन फिर उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो लड़के अभी भी खेल ही रहे हैं। और यहाँ पे हो रहा है बहुत भयंकर डांस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, पर मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ वरना कॉपीराइट आ जाएगा। खाने में लिया है रोटी छोला चावल, तो चलिए खाते हैं। तो गाइस ये व्लॉग तो बहुत बड़ा हो रहा है, 14 मिनट्स का हो गया, तो मैं सोच रही हूं कि आपको नेक्स्ट पार्ट में अब अपना ब्राइड और ग्रूम की एंट्री दिखाऊं। तो चलो गाइस इस पार्ट में मैं इतना ही दिखाने वाली हूं। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, चिंता मत करिए पार्ट टू भी आएगा, मेन चीज है तो पार्ट टू में है, तो पार्ट टू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं गाइस अपने पार्ट टू में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।